चैनल। तो दिन है आज संडे का, टाइम हो रहा है 12 ही बज गया आज, और आज बहुत लेट हो गया। मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी, तो अभी मैं यहाँ पे ना छोले की सब्जी और बटर गार्लिक नान ये आज मैं बनाने वाली हूँ। तो बैकग्राउंड में चल रही है वॉशिंग मशीन, उसकी आवाज आ रही है। तो नान का जो आटा है वो मैंने सुबह ही लगा के रख दिया था, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसे लगाया था। कम से कम उसको ना 2 घंटे का रेस्टिंग टाइम चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं छोले बॉईल कर लेती हूँ। तो आज मैं छोले की सब्जी एक अलग ही स्टाइल में बनाने वाली हूँ, अलग तरीके से। तो वो मैं दोनों रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो संडे का जो ना स्पेशल लंच है आज, तो चलिए जल्दी से पहले मैं छोले वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले नान का डो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप लिया है व्हीट फ्लार। आप चाहे तो आप आधा आटा या आधा मैदा ले सकते हैं, या आप चाहे तो आप पूरा मैदा ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा। स्वाद के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 टेबलस्पून तेल। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लगभग 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है। और आप अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसका एक ना पानी की सहायता से आप एक अच्छा सा, मतलब ना बहुत सॉफ्ट और ना ही बहुत टाइट, आपको एक डो प्रिपेयर करना है। आप गार्लिक पाउडर की जगह गार्लिक जो है ना वो आप क्रश करके डाल सकते हैं, या आप गार्लिक को स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर ऑयल लगा दीजिए, और बस 2 घंटे के लिए आप इसे रेस्ट करने के लिए आप इसको रख दीजिए। चलिए यहाँ पर छोले बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुकर में मैंने लिए हैं छोले। पानी आपको सिर्फ इतना ऐड करना है कि आपके छोले जो है डूब जाए। 2 टमाटर है, मैंने इनको हाफ में कट कर लिया है, और इस तरीके से आपको कुकर के ऊपर रख देना है। 2 प्याज लिए और हरी मिर्च लिए, इनको भी बस मैंने मोटा मोटा चॉप किया है और इसमें ऐड कर देना है। 2 तेज पान लिया है, 2 काली इलायची लिए है, सॉरी हरी इलायची नहीं है, दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, और 4 लौंग ली है। इसमें आपको नमक ऐड करना है, और बस इसको कुकर का ढक्कन लगा के आप मीडियम फ्लेम पे इसकी लगभग 4 से 5 सीटी आप ले लेंगे, और ऑटोमेटिक प्रेशर इसका हम रिलीज हो जाने देंगे। तो जब तक कुकर में प्रेशर आएगा, तो मैंने उसे दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर दिया, और थोड़ा सा चाय का पानी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने लगभग 1.5 कप पानी लिया है, और उसमें मैं 2 चम्मच चाय पत्ती ऐड करूंगी। और अब आपको इसको इतना उबालना है जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। यहाँ पे कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है, कुकर के लिड को हटा देंगे, और उसके बाद जो भी हमारे खड़े गरम मसाले वो निकाल देंगे, और टमाटर की जो स्किन है ना वो बहुत इजीली निकल जाती है, तो हम उसको निकाल देंगे। और अच्छे से एक बार टमाटर और प्याज को छोले के साथ हम मिक्स कर देंगे। चाय का पानी ऐड कर देंगे हम इसमें। गैस अभी मीडियम फ्लेम पर हमारा चालू है। इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, बहुत थोड़ी सी आपको ऐड करना है। 2 चम्मच धनिए का पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड की है, और 2 चम्मच यहाँ पर मैं छोले मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों को बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और अब आपको इसको इतना पकाना है जब तक ये जो पानी है ना ये आधा ना हो जाए। पानी आधा रह जाएगा, तो इसमें आपको गैस बंद करना है, और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है। आपको बेकिंग पाउडर या इनो इसमें ऐड नहीं करना है, अच्छे से मिक्स करना है। ये थोड़ा फ्रॉथी सा होगा और ऊपर आएगा, तो गैस ना बंद करके आपको ये वाली प्रोसेस करना है। जब अच्छे से मिक्स कर देंगे तो गैस ऑन कर दीजिए, और बस इसमें 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला, और इसमें 1 चम्मच आप कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और अब आपको जितनी ग्रेवी रखना है ना आपको तब तक उबालना है तब तक आपकी डिजायर वाली जो ग्रेवी है वो आपको मिल नहीं जाती। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी ग्रेवी जो है, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे इतनी चाहिए थी, तो मैंने इसे इतना पका लिया है। इसके बाद ऊपर से तड़का लगा देते हैं इसमें। तो मैं घी का तड़का यहाँ पे लगा रही हूँ। तो घी में मैंने थोड़ी सी जीरा ऐड किया है, हींग ऐड करूंगी, और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, और बस हम अपने छोलों में तड़का लगा देंगे। आप चाहें तो आप जिंजर जूलियंस का भी यहाँ पर ना यूज कर सकते हैं। हरा धनिया डालिए, और बहुत ही डिलीशियस सी छोले की सब्जी जो है ना वो रेडी हो जाएगी।
स्नान कर लूँ। अभी हमारा रेडी हो गया है, देखिए अच्छे से फूल जाता है बहुत अच्छे से, और ये बहुत ना तो सॉफ्ट है और ना ही बहुत हार्ड है, बहुत अच्छा रोटी की तरह ये आटा है। तो बस नॉर्मल जिस तरीके से आप नान बेलना चाहते हैं ओवल शेप में या गोल, तो मैं गोल ही बना रही हूँ। तवा मैंने आयरन का लिया है और आपको भी आयरन का ही लेना है क्योंकि नॉन स्टिक में ये रोटी नहीं चिपकेगी। रोटी को आप अच्छे से बेल लीजिए, पतला मोटा जैसे भी बेलना है आपको, और बस इसके ऊपर आपको पानी लगाना है, अच्छा पानी लगाना है आपको। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया और जो कलौंजी होती है ना वो मैं इसमें लगा रही हूँ, और हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए आप उसको, या फिर हल्का सा आप बेलन चला दीजिए और जिस तरफ हमने पानी लगाया था ना वो तरफ हमारी तवे में जाके इस तरीके से डालना है कि वो तवे में जाके चिपक जाएगी। गैस आपको अगर तवा गर्म है तो आप सिम पे कर दीजिए। देखिए रोटी में ना अच्छे से बबल्स आने लगेंगे और अच्छे से रोटी ना बीच बीच में से फूल जाती है, तो वो उस तरफ से रोटी आपकी अच्छे से सिक जाएगी। जब पूरी रोटी में अच्छे से बबल्स आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, फिर तवे को उल्टा करके जैसे तंदूर में रोटी सिकती है ना, इस तरीके से आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप इसको सेक लीजिए। बहुत ही अच्छी ये रोटी सिक जाती है। मेरा तवा ना थोड़ा ज्यादा भारी है इसलिए मुझे बार बार हाथ चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। नॉनस्टिक के साथ ये वाली प्रोसेस आप नहीं कर सकते, तो मैं कभी और आपके साथ शेयर करूंगी कि नॉनस्टिक के तवे पे या नॉनस्टिक के पैन में ना आप किस तरीके से तंदूरी जो रोटी है वो बना सकते हैं नान। यहाँ पे मैं नॉर्मल बटर का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप गार्लिक को बटर में डाल के बटर गार्लिक भी बना सकते हैं। तो बस हमारा आज का जो स्पेशल सा लंच है वो बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पर छोले की सब्जी और नान जरूर ट्राई कीजिएगा, दोनों रेसिपी बहुत इजी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी ये। अभी लगभग 3:30 बजे का टाइम हो रहा था और मैं जा रही हूँ बाहर, तो मैं फ्रूट्स लेने जा रही हूँ। सब्जी आज बहुत कुछ नहीं लेनी है, लगभग बेसिक सब्जियां भी हैं और एक दो सब्जी और रखी है, तो मैं जियो मार्ट से जाके फ्रूट्स ले आऊंगी क्योंकि वहां पे ना फ्रूट्स अच्छे मिलते हैं और वो थोड़ा सा पास में है हमारे घर से। तो चलिए अब चलते हैं जियो मार्ट। सैटरडे संडे इतना हेक्टिक होता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। वीकडेज में तो थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाए लेकिन सैटरडे संडे तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका सैटरडे संडे मतलब हाउसवाइफ का ऐसा ही होता है मेरी तरह या फिर और कुछ अलग होता है। तो बस यहाँ पे मैं फ्रूट्स और जो भी कुछ सामान लेना था वो लेके मैं आ गई हूँ वापस, और कोई भी सामान लेकर आओ तो अभी भी सबसे बड़ा काम ये है कि आपको वो सामान को अरेंज करना है जितनी जल्दी, क्योंकि अगर एक बार डिले होता है ना तो फिर वो डिले होता ही चला जाता है। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ग्रेप्स मैंने खरीदे हैं, यहाँ पे जैगरी का पाउडर मैंने लिया है। अच्छा ये जो कांच की छोटे छोटे वाली बर्नियां होती है ना जो 99 में मिलती है वो धीरे धीरे करके मैं कलेक्ट कर रही हूँ मसालों के लिए, तो वो मेरे पास हो गई है अभी 6-7। तो मैंने 1-3 का सेट मैंने और ले लिया, ग्रीन एप्पल लिया है, तरबूज लिया है और टूथपेस्ट है, इतनी ही चीज़ें हैं। इसके अलावा ग्रॉसरीज पर मुझे करनी नहीं थी, जो करनी थी वो मैं थोड़ी बहुत अगले महीने मुझे ग्रॉसरी ना करनी पड़ेगी। अच्छा बादाम यहाँ पे ली थी मैंने, तो जो जो चीज़ मुझे रिफ़िल करनी है वो मैं रिफ़िल करके अभी से ही रख दूँगी। Thank you.
प्लेट्स जो मैंने लिए थे उनको मैं वॉश करके रख दूंगी, और इसके बाद जब भी सूख जाएंगे ना तो फिर मैंने फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रख दूंगी। तो इस तरीके की ये जो मैंने साइड में रैक रखी है ना, ये बहुत ही यूजफुल है। मतलब जो मेरा किचन काउंटर टॉप है ना, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होता। सब्जियाँ धो के, फ्रूट्स धो के मैं ज़्यादातर, तो बस फ्रूट्स का काम मेरा ख़त्म हो गया है। और इसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है, रात का ही टाइम हो रहा है ये। और मैंने यहाँ पर कल सुबह के लिए, कल मंडे है, वीकडेज से ऑफिस शुरू है, तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करके रख दिए हैं ताकि ये जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। वहाँ पे आलू बॉईल हुए थे माइक्रोवेव में, और अब मैं बनाने वाली हूँ धूप की स्टिक्स। तो देखिए ये जो फूल है ना, जो मैं भगवान जी को चढ़ाती हूँ, तो उसको मैंने ड्राई कर लिया है, तो सबसे पहले इसको पीस लेंगे। गुलाब की पत्तियों का मैं यहाँ पाउडर बना लूंगी। आपके पास कोई भी फूल है, चाहे मोगरे के हों, जैस्मीन के हों, आप उनको ना छाए में ड्राई करके उनका आप अच्छे से पाउडर बना लीजिए। इसके अलावा आप इसमें ना धूप का जो सूखा वाला पाउडर आता है वो भी अच्छे से पीस के ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, तो ये जो सामरानी कप्स आते हैं ना जिसमें धूप और गूगल इकट्ठी रहती है, अगर मैं पीस गलत हो तो मुझे करेक्ट करिएगा, तो वो बड़े होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा उसको कूट लिया है, बाद में उसको मिक्सर में पीस लूंगी। इन दोनों को हमको अच्छा बारीक सा पाउडर, क्योंकि जलने में ना वो बहुत अच्छे से फिर जल जाते हैं। तो देखिए इसका पाउडर बना लिया है। कपूर मेरे पास ये जो क्यूब्स वाला आता है वो है, अगर आपके पास देसी कपूर है ना तो आप उसको भी मिक्सर में गुलाब की पत्तियों के साथ या फ्लावर के साथ से ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए मेरी रेडी हो गई है। अब मैं घी में लाऊंगी। अगर आपके पास, आप घी नहीं डालना चाहते तो आप तिली का तेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी ना शुगर मैंने इसमें ऐड की थी पिसी वाली, जिसकी रिकॉर्डिंग में भूल गई, उससे क्या होता है बहुत अच्छे से ना बाइंड जाती है। अब शुगर की बजाय आप थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा शहद भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से ना मतलब मिक्सचर एक बन गया है। तो बस आप तरीके से जो कोन्स आती है ना, इस तरीके की मैं कोन्स बना के यहाँ पे रेडी कर लूंगी, और उसको मैं रात भर के लिए ड्राई होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। यहाँ पे ये सूख गई है बहुत अच्छे से, अब आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कड़क ही नहीं होती, अगर आप शुगर ज्यादा ऐड करेंगे तो ये ज्यादा कड़क होगी। तो इस तरीके से मैं तो इसका यूज करती हूँ। इसको मैं एक दिए में रखती हूँ, और बस इसके ऊपर मैं मैच बॉक्स से इसको मैं थोड़ी सी ना मैं इसको जला देती हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर आप इसको ना जलने दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती है ना तो इससे धुआं बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ी देर आप इसको जलने दीजिए, और उसके बाद फिर आप इसकी जो धुआं है ना उसको पूरे घर में आप फैलने दीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आती है सबकी मिली जुली। इसमें देसी गुलाब का मैंने यूज़ किया था, तो इसलिए मुझे गुलाब की खुशबू भी आती है। अब जो भी फ्रेग्रेंस यूज़ करेंगे ना उसकी खुशबू इसमें आएगी। तो चलिए आ गए हम अपने इस वीडियो के एंड पे। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फंडे।